नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक है यूरिक एसिड के बारे में। दोस्तों, चाहे कितनी भी पुरानी यूरिक एसिड की समस्या हो, 5 दिन में हो जाएगी बिल्कुल सही। जी हाँ, मात्र 5 दिनों में यूरिक एसिड का जड़ से सफाया करेगा। दोस्तों, हमारे खून में यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जाकर जमा हो जाता है और वहाँ पर जाकर दर्द और सूजन का पर्याप्त कारण बन जाता है। ऐसी परिस्थिति को गाउट कहा जाता है। इसका अधिकतर असर मुख्यतः पैरों और हाथों के जोड़ों पर पड़ता है। भोजन के दौरान ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा लेने से पैरों और हाथों के जोड़ों में सूजन का काम करने लग जाती है और जिससे दर्द बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए प्राकृतिक उपाय आपको बता रहे हैं और आयुर्वेदिक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो में बताई गई विधि के द्वारा अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो 5 दिनों के अंदर आप इस यूरिक एसिड की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको क्या करना है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको पंचकर्म करवाना है। पंचकर्म विधि करवाने से शरीर की सारी गंदगी मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है और शरीर के 90% रोग पंचकर्म की विधि के द्वारा स्वतः ही दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, पंचकर्म विधि बहुत ही आसान सी विधि है जो कि आयुर्वेद केंद्रों पर की जाती है। तो आप किसी आयुर्वेद पर जाकर पंचकर्म करवा लें तो यह इस रोग में सबसे पहला चरण है। तो अगर आप पंचकर्म करवाने के लिए किसी आयुर्वेद में नहीं जा सकते या आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पंचकर्म कैसे करना है। तो दोस्तों, पंचकर्म करने के बाद इसके बाद आपको 5 दिन तक फास्ट करना है, यानी आपको व्रत रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी खाना नहीं है। आपको दूध, अनाज या दालें आपको नहीं लेनी है। इसकी जगह पर आप अपनी दिनचर्या बताए के अनुसार करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको 5 दिनों तक किस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी है। तो इस विधि को अगर सही तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 दिनों में आपके यूरिक एसिड की समस्या खत्म हो गई है। सुबह सोच के बाद 1 गिलास लौकी का जूस और इसमें थोड़ा सा आंवले का जूस मिलाकर पीना शुरू करें और इसके आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसके बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में 50 मिलीलीटर एलोवेरा जूस मिलाकर पिए और इसके आधे घंटे बाद आप 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। तो आइए अब जानते हैं डाइट चार्ट के बारे में कि आपको किस तरह का डाइट चार्ट अपनाना है। सुबह नाश्ते में 1 गिलास संतरे, किन्नू या मौसम्मी, इनमें से किसी का भी जूस आप ले सकते हैं और इसमें आप सेंधा नमक मिलाकर आप इनके रसों को पिए और इसके 1 घंटे के बाद जितना हो सके पानी रुक रुक कर पानी पिए। संतरे का जूस दोबारा जोड़ों में जमा एसिड को घोलकर रक्त में मिला देता है और जहाँ से वह किडनी के द्वारा फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। और दोपहर में फिर से आप 1 गिलास संतरे के रस में सेंधा नमक मिलाकर पिए और उसके बाद में अगर आपका कुछ खाने का मन हो तो सलाद वगैरह ले सकते हैं और रात को भी आप यही डाइट अपनाएं और दिन में बीच बीच में आप नींबू पानी पीजिए। उसमें भी आपको केवल सेंधा नमक ही मिलाना है, चीनी बिल्कुल भी ना मिलाएं। पूरे दिन में आप अधिक से अधिक पानी पीने की कोशिश में रहिए। जितना हो सके पानी आप पी सकते हैं, आप पानी अवश्य पिए। आप दोपहर में छाछ यानी लस्सी पी सकते हैं। यूरिक एसिड को शरीर से निकालने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। आप जितना हो सके इस दौरान विटामिन सी का भरपूर प्रयोग करें। आंवला किसी न किसी रूप में आप हर रोज जरूर खाएं, चाहे आप उसका पाउडर बनाकर खाएं, चाहे आप उसका जूस बनाकर पिएं, चाहे आप आंवले का मुरब्बा खाएं, किसी न किसी रूप में आप नित्य क्रम में आंवले को शामिल जरूर करें। और रात को सोते समय 50 ग्राम एलोवेरा पानी में मिलाकर फिर पिए। ऐसा करने से दोस्तों ज़्यादा नहीं, मात्र 2 दिनों में आपको फर्क दिखाई देखने 2 दिनों में
दो दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा और इस क्रिया के दौरान आपको प्रोटीन वाली चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। आपको प्रोटीन वाली वस्तुएं नहीं लेनी है। प्रोटीन वाली वस्तुएं जैसे अनाज, दूध, दालें वगैरह आपको नहीं खानी है। आइए अब बात करते हैं आप इस दौरान क्या क्या खा सकते हैं। इसके साथ आप सेब, आंवला, पत्ता गोभी, गाजर, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, चुकंदर, अंगूर, अमरूद, चेरी, पपीता इत्यादि फल आप खा सकते हैं। इसके साथ आपको अलसी और अखरोट का सेवन जरूर करना है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारे द्वारा जानकारी। तो बताए गए अनुसार अगर आप ऐसा करते हैं तो 5 दिनों के अंदर आपकी यूरिक एसिड की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप पंचकर्म न करवा सकें तो पहले आप 2 दिन पहले गर्म पानी पीजिए और रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में 5 मिलीलीटर अरंडी का तेल मिलाकर पीजिए। ऐसा करने से आपको दस्त लग जाएंगे और उससे आपके शरीर में जमा हुआ गंद निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप पंचकर्म जरूर करवाएं और आप खुद ही इसका फर्क देखेंगे। ये न सिर्फ यूरिक एसिड का सफाया करेगा बल्कि आपके शरीर से 90% अन्य बीमारियों को भी दूर हटाएगा। तो दोस्तों, इतना कारगर है यह उपाय। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।